पटना में एक एडीएम है, इनका नाम है के सिंह। आज राजधानी में शिक्षक बनने की पात्रता पास कर चुके कई हजार युवाओं का प्रदर्शन था। इन पर आज जमकर लाठियां बरसाई गई। यह वही तस्वीर है जिसमें एक छात्र जमीन पर घसीटा जा रहा है। एडीएम के सिंह लाठियां बरसा रहे हैं। यह नौजवान तड़प रहा है, मगर के सिंह की लाठी अकड़ती जा रही है। नौजवान अपने बचाव में तिरंगा का सहारा लेता है, मगर प्रशासन की लाठी नहीं रुकती है। के सिंह मारते चले जाते हैं। किसी आंदोलन प्रदर्शन को रोकने या नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के पास अब यही एक भाषा बच गई है। अगर यह तस्वीर ना आती तो शायद किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इन नौजवानों पर लाठियां चलाई गई हैं। बाकियों को भी चोटें आई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन एडीएम के सिंह की लाठी मारने की यह तस्वीर अब उस प्रशासन की स्थायी छवि बन चुकी है जिसके बदलने की बात कही जा रही है। क्या वाकई प्रशासन के पास यही एक तरीका बचता है कि बेरहमी से लाठी चलाई जाए, जबकि इनके प्रदर्शन का कारण भी यही प्रशासन और सरकार है, जिसने 2019 से इन छात्रों को सड़क पर आने के लिए कई बार मजबूर किया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जहां तक नौकरी का सवाल है, हमारा वादा है इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक इस घटना का सवाल है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कार्रवाई होगी। इस देश में प्रशासन बेलगाम हो चुका है। बिहार की राजधानी पटना के एडीएम के सिंह जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसा रहे हैं, उससे यही लगता है कि प्रशासन अब खुद को सुपर पावर समझने लगा है। हमने शुरू में यह तस्वीर दिखाई। एडीएम के सिंह उस नौजवान को लाठियों से लहूलुहान कर रहे हैं जिसने बचाव में तिरंगे का सहारा लिया। उसे सड़क पर घसीटा गया। यह घटना पटना के डाकबंगला चौराहा की है। राजधानी के बीच से प्रदर्शन करने की जगह हटाकर पटना में ही दूर गर्दनी बाग इलाके में कर दी गई, जहां किसी की नजर नहीं जाती। गर्दनी बाग में ये नौजवान कई दिनों तक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। जाहिर है किसी की निगाह नहीं गई या इनका मामला नहीं सुलझा। तभी ये लोग डाक बंगला जाने के लिए मजबूर हुए होंगे कि वहां से राजभवन तक मार्च करेंगे, ताकि समाज सरकार की नजर पड़े, गोदी मीडिया भी देख ले। आज अगर ये लाठी चार्ज की घटना ना हुई होती तो मुझे संदेह ही है कि कोई इसे कवर भी करता। अब सरकार बदली है तो शायद गोदी मीडिया कवर करने लग जाए। मगर यह कितना दुखद है, ये नौजवान शिक्षक बनने की पात्रता की परीक्षा पास कर चुके हैं। यह परीक्षा सरकार ही कराती है। इनका कहना है कि 2019 में ही पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, इनके नाम मेरिट लिस्ट में है। तब तो सरकार को भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह की परीक्षा पास करने वाले दूसरे नौजवानों को नौकरी मिल चुकी है। 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें आश्वासन दिया गया कि भर्ती निकलेगी और मौका मिलेगा। अगस्त आ गया तो जाहिर है सब्र टूटेगा ही, तो राजभवन तक मार्च करना था, जिससे रोका गया और ये स्थिति पैदा हुई। मात्र 12 दिन के लिए हम लोगों को परीक्षा ये फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया, छठा चरण से वंचित कर दिया गया। हम लोग 2019 दिसंबर से पास है और 2019 दिसंबर से सड़क पर हम लोग लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार से मांग रहे हैं कि विज्ञप्ति दीजिए। उसके बावजूद भी आज तक 19 से लेकर आज 22 अगस्त हो गया, अभी तक हम लोग का विज्ञापन जारी नहीं किया गया, जबकि लिखित रूप से सरकार शिक्षा विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया। हम लोग को 28 दिन की जब धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे तो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए थे तो वहाँ लिखित रूप से शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जुलाई अंतिम सप्ताह या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम आप लोग का विज्ञप्ति निकाल देंगे। उसके बावजूद भी अभी तक अगस्त बीत गया, सितंबर आने वाला है, 4 साल मात्र हो गया। अब कब दीजिएगा साहब? 5 साल के बाद दीजिएगा, जब आपका नौकरी खत्म, हम लोग का उम्र खत्म हो जाएगा। तब हम लोग का 28 वर्ष उम्र, 29 वर्ष उम्र हो गया और 2-3 वर्ष के उम्र के बाद हम लोग एक्सपायर कर जाएंगे। क्या सर? जी बिल्कुल, हम लोग शिक्षक होने वाले हैं, क्योंकि शिक्षक बनने का शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, बीटेट और 9th-10th के लिए स्टेट भी क्वालिफाइड हुए हैं, जबकि एक ही साथ 2 विज्ञापन जारी हुआ।
फिजिकल टीचर का भी और एस्टेट 19 का भी फिजिकल टीचर को ज्वाइनिंग कराकर पैसा उन लोग को आवंटित हो गया, लेकिन हम लोग अभी तक रोड पे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? ये बात सही है, जब जुलाई तक फॉर्म निकलने का आश्वासन दिया गया तब निकल जाना चाहिए था। छात्रों ने आधा अगस्त बीत जाने के बाद आंदोलन किया।